नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि शासकीय मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय में फ्री ओपन सेमिनार रखा गया था, जिसमें उपस्थित आईएएस जागृति अवस्थी ने एवं एमपीपीएससी कैंडिडेट के सवालों के जवाब और उन्हें तैयारी कैसे करनी है और समय का मैनेजमेंट प्लस आपके नोट्स कैसे बनानी है, कोचिंग करें या ना करें, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, आपने एक जो एग्जाम्पल उससे बताती हूँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आप आज से रिलेट कर दो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि आज के परिवेश में उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ऐसा कुछ, या जो भी कि इंडस वैली ने आज का इन्फ्लुएंस किया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वहाँ पर क्या करना होता है, एक तो जो वहाँ पर था कि था क्या, वो ड्रेनेज एंड रेक्टेंगुलर रोड सिस्टम, कवर्ड वो ड्रेन्स और वो सब कुछ, और पेंट ब्रिक्स, पक्का हाउसेस, एक बात, ये सब हो गया। आज क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की, बोले को क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम सर्विस रोड्स और मेन रोड्स अलग अलग बनाने से कुछ आउटपुट ही ना निकले, ये एक बात देख लेना है आपको। तीसरी चीज़, रिसोर्सेस अवेलेबल हों, ईजिली अवेलेबल हों, और बस अगर आप एक जनरल देख लोगे तो आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सोशियोलॉजी के लिए बहुत बेसिक बुक लिस्ट है। सोशियोलॉजी की बात यह है कि वो सब्जेक्ट समाज के बारे में है, हम समाज में ही रहते हैं तो समझने में दिक्कत नहीं है। आप विमेन के बारे में पढ़ेंगे तो हम भी समझ में आते हैं विमेन के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम रोज देखते हैं। तो सोशियोलॉजी के लिए बुक लिस्ट बता दूंगी। पहले एक नितिन सांगवान सर की बुक आती है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी करके, वो मेरा बेस मटीरियल था। थिंकर्स के पोर्शन में थोड़ा समझना होता है, उसके लिए मैंने क्या किया है, बीए इग्नू का जो बीए का मटेरियल होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज, उसमें से थिंकर्स से पढ़े, नोट्स नहीं बनाए, थिंकर्स पढ़ लिया वहाँ से, और कोई ऐसी लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो निकाल ली। इसके अलावा पिछले 13 साल के सॉल्व पेपर्स, वो बुक एक्चुअली 13 ईयर्स की थी, तो इसे 13 ईयर्स मैंने 10 ईयर्स के कर लीजिए, उनको कवर किया। सॉल्व इसलिए ताकि एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिल जाएगा, कुछ छूट रहा होगा तो मालूम पड़ जाएगा, उसको आप ले लीजिए। आंसर राइटिंग सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि एक होता थ्योरी, आपने थ्योरी लिख दी सोशियोलॉजी में पूरी, हर व्यक्ति पढ़ के लिया है, आपकी समाज की समझ कितनी अच्छी है, आप एग्जाम्पल्स कितने अच्छे दे सकते हैं, ये चीज़ें बताती हैं कि आप सब्जेक्ट को वाकई समझते हो या सिर्फ एक ओवरऑल पढ़ के आए हो। मेरे सोशियोलॉजी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्क्स भी नहीं है, मेरे 284 है, 500 में से 284 है, पर डिसेंट है। तो आंसर राइटिंग में एग्जांपल्स, जैसे सपोज विमेन पे आता है कि विमेन का मैनी फॉर्म्स, मतलब विमेन के खिलाफ कई सारी ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो देखने में सामान्य लगती हैं बट एक्चुअल में बहुत डीप रूटेड इनइक्वालिटीज को दिखाती हैं, इस तरह का क्वेश्चन था, डिस्कस ऐसे करके क्वेश्चन दिया था। मैं उतने अच्छे से बता नहीं रही हूँ पर क्वेश्चन का क्रक्स यही है। मैंने उसमें एग्जांपल देना शुरू किया, एग्जांपल कैसे कि शादी के बाद विमेन का सरनेम चेंज कर हो जाता है, शादी के बाद विमेन अपने घर छोड़ करके जाती हैं, मैन डोंट गो, ऐसे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि आप समझते हो समाज को। ये बोलना कि मैम माय क्वेश्चन इज हाउ टू कंसंट्रेट मोर टू इंक्रीज द स्टडी आवर्स। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन इम्पॉर्टेंट, एज आई सेड अगर स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन डेफिसिट है, तो 30 मिनट बैठो, 20 मिनट रिलैक्स करो, फिर 30 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट रिलैक्स करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 45-50, फिर ऐसे धीरे धीरे आपको पढ़ाना पड़ेगा। लिख लिख के जो मैंने बोला ना, वो लिखना आपका फोकस करेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि पढ़ तो रहे हैं, दिमाग कहीं और है, बस आँखें काम कर रही हैं, तो लिखने की प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेंट्रेशन ऐसे इन दो चीज़ों से हो जाता है, और थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करिए वॉलेंटरीली, कि कुछ अगर बार बार कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको नहीं सोचना है मुझे इस बारे में, पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। और जब ये बार बार करने लगोगे, मतलब 15-20 दिन लगातार ये चीज़ करोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा, धीरे धीरे होगा, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती इसकी, मेहनत से ही होगा, लिख लिख करके पढ़िए, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट, हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, माय क्वेश्चन इज मैम, जब मेंस में जाते हैं हम लिखने के लिए, तो मैम पूरा जो साल भर पढ़ा रहता है उसको कैसे रिवाइज करें,
कि टॉपिक वाइज कंसोलिडेटेड नोट्स बनाए सिलेबस के, कैसे उसको रिवाइज कर रहे हैं पूरा साल भर का प्रिपरेशन। और सेकंड क्वेश्चन मैम, जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है जो नितिन सांगवान सर की बुक है, सिर्फ उसको ही पढ़ के क्या पूरा सिलेबस सिर्फ उसको ही पढ़ के किया जा सकता है सिर्फ नितिन सांगवान सर की? आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था मैं भूल गया मैम, जब मेंस की मेंस के नोट्स और रिवीजन, मेंस के टाइम पे ना बहुत सिनॉप्टिक नोट्स चाहिए। उसमें क्या करो कि हर चीज के नोट्स मत बनाओ, हार्डली प्री और मेंस के बीच में 2-3 महीने का टाइम होगा। और जब आप जाओगे तो GS1 जिसमें हिस्ट्री भी है, थोड़ा सा सोसाइटी भी है, ज्योग्राफी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और वो एक साथ आएंगी, सिर्फ डेटा के नोट्स बना लो, ठीक है। जब आप पहले पढ़ रहे हो, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो करंट अफेयर्स है ऐसी चीज़ें हैं उनके आपने नोट्स, मेंस के नोट्स का एक और मैं तरीका बताती हूँ। सिंगल पेज लीजिए कोई भी टॉपिक है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, एक बात और मुझे पता आप लोगों को बहुत खुशी है, पर बार बार कॉन्ग्रेचुलेट मत करो, मैं सबको वैसे ही थैंक यू। सीधे मेरा क्वेश्चन है कि मैम इकोनॉमी के लिए जो टर्मिनोलॉजी होती है मैम, वो आपने किस तरह से कैसे पढ़ा है थोड़ा? देखिए इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, एक तो NCERT क्लास 12th में एक्सप्लेन की हुई है, फिर भी समझ में आए तो रूना सर का इकोनॉमिक्स का कोर्स यूट्यूब पर फ्री पड़ा हुआ है, उसकी शुरुआत की 10 क्लासेस देख लेना यूट्यूब पे, उसमें क्लियरिटी आ जाएगी उनकी वर्ड्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, मॉनेटरी पॉलिसी कम ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। दो चीज़ें कर लेना, रूना सर क्योंकि हिंदी में भी बता देते हैं और वो फ्री है यूट्यूब पे, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 10-11 क्लासेस होंगी उनको कंप्लीट कर लो आप, वो आपको हेल्प कर देगा। नेक्स्ट गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज मनीष साहू ओवर हियर, एंड माय क्वेश्चन इज क्या SSC स्पायरेंट के लिए प्लान भी होना चाहिए? प्लान भी मेरे हिसाब से होना चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। मेरा प्लान भी ये था कि मैं अगर नहीं हुआ 2-3 अटेम्प्ट देखूंगी, जिस दिन ये लगेगा कि अब बस अब मेहनत नहीं होगी। मेरी मम्मी मुझे पेपर दे रही थी प्रिंट करके मेरे डेस्क पे, मैं लिखती थी और वो जैसे टाइमर बजा वो आके छीन लेती थी और अपलोड कर देती थी। तो इससे क्या हुआ, मुझे वो प्रेशर घर पे झेलने की आदत हुई, क्या वो लेके चले जाएंगे अपलोड कर देंगे काम नंबर, और फिर मेरी मम्मी एक्चुअली यहाँ बैठी है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, फिर वो कहने लगे देख दी कितने नंबर आए तुम्हारे, ये कम क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा इसलिए तुमने छोड़ क्यों दिया क्वेश्चन। उससे क्या होता था, मुझे ऐसा लगता था कि कोई यार देख रहा है, तो प्रेशर घर पे आदत हो गई झेलने की, वो एग्जाम में जाके थोड़ा हेल्प करती है। दूसरी चीज़ एग्जाम प्रेशर नॉर्मल है, उसको हावी मत होने दो, वहाँ पे जितने लोग हैं ना सब प्रेशर में, आप अकेले नहीं हो, तो उसको हैंडल करने का यही है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है, इतना इशू नहीं होगा, थोड़ी देर लगेगा, जब सामने शीट आएगी ना क्वेश्चन की तो सब करना है साथ। और बस एक चीज़ ये सोचो कि मैं क्वेश्चन का जवाब लिखने आई हूँ, मुझे इधर उधर नहीं सोचना, यू कैन डू दैट, प्रैक्टिस से हैंडल कर लोगे आप प्रेशर। मैम जो डाटा होता है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको अलग से नहीं करना है, न्यूज़पेपर के साथ में वो कवर हो जाएंगे, जैसे कि यूनिसेफ की कोई रिपोर्ट है, WHO की कोई रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, उसकी लिस्ट बना लो, गूगल करिएगा NCERT सॉल्यूशंस, जो भी सब्जेक्ट है उसमें सॉल्यूशन मिल रहा है उससे अपने सॉल्यूशन कंपेयर करना, ठीक है। जब अपने सॉल्यूशन कंपेयर करो और ये देखो कि आप क्या नहीं लिख रहे हो, ये एक्सरसाइज एक बार करोगे टाइम लगेगा, जब ये रोज़ रोज़ करोगे ना अपने आप समझ में आने लगेगा। रिवीजन का मैं बता ही चुकी, हाईलाइट वाला जो कंसेप्ट है डिस्कस कर लीजिए, अगर कोई फ्रेंड है तो डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये समस्याएं आप देखोगे जो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कोचिंग भी किया सब कुछ किया, उसके बाद जब वो घर बैठे ना 2 साल निकले उनका, तभी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि जब तक खुद में UPSC या PSC या कोई भी सिविल सर्विस या कोई एग्ज़ाम ऐसा बनता जा रहा है जहाँ पर वो क्या पूछेंगे ये कोई नहीं जानता, स्टैंडर्ड बुक से जो सवाल है वो हर बच्चा करेगा, जो सोचने का सवाल है वो वही करेगा जो बैठ करके खुद सोच करके आया है, और जो बच्चे यहाँ पे बैठे हो जिन्होंने पहले कोचिंग वगैरह कहीं की हुई हो तो वो इस बात से एग्री करेंगे, आप पूछेगा उनसे
कि वाकई में कोई खास मदद मिलती नहीं है, जितना हवा बना देते हैं ना उतनी मदद नहीं मिलती। तो बिल्कुल घबराओ मत, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर स्टार्टर हो थोड़ा और पेशेंस रखो, 2 महीने तक समझते रहो, अगर 1 महीने में समझ में नहीं आता है ना, समझने में टाइम दीजिए, पढ़ने में टाइम दीजिए, सोल्यूशंस को ऑनलाइन देख करके अपने सोल्यूशन चेक कर लीजिए। मेरा नाम मैत्री सिंधी है, मैं CSE की तैयारी कर, और मेरे ना 7 क्वेश्चन हैं आपसे। तो फर्स्ट, जैसे आपने अभी बात करी ना सिलेबस के बारे में, तो वो मेरे को ना अभी 6 महीने हो गए तैयारी करते हुए, तो वो लिंक नहीं समझ पा रही हूँ मैं। जैसे ये मेरे पास सिलेबस रखा हुआ है अभी, उसमें इतना जेनरिक लिखा हुआ है, उसमें मैं ये नहीं समझ पा रही कि मेरे को ज्योग्राफी में अभी जियोमॉर्फोलॉजी है तो उसमें मैं अभी क्या पढ़ूँ। वो सारी जो डिटेल्स स्ट्रक्चर है, मतलब सब टॉपिक्स टॉपिक्स, वो मुझे आप बता दो एक बार कि वो एक्चुअली करना कैसे। सिलेबस आपके पास है, आप बोल रहे हो जेनरिक है, आप एक काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैं एक प्लेटफॉर्म भी बता देती हूँ, MRUNAL रूनाल करके है, उन्होंने CSE मेंस, आप MPPSC का पूछ रहे हो या UPSC पूछ रहे हो? UPSC, हाँ UPSC का तो रूनाल सर ने टॉपिक वाइज मेंस के क्वेश्चन दिए हैं, प्रीलिम्स भी मिल जाते हैं, ये सब फ्री है, सीधे जाओ डाउनलोड करो, आप सर्च भी कर लीजिए रूनाल टॉपिक वाइज UPSC मेंस ऐसा करके, और उसमें आप देखना कि जो सिलेबस में सब पॉइंट्स है ना, जैसे आपने कहा बहुत जेनेरिक है, जैसे सिलेबस में लिखा है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म्स, 1000 तरह के इंडियन आर्ट फॉर्म्स हैं, हम कौन से पढ़ें? उसके लिए तो बेसिक बुक्स पढ़िए। बेसिक बुक्स में क्या, जैसे मैंने तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th पढ़ ली, वो पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने फाइन आर्ट्स की जो NCERT आती है 11th क्लास की, उसमें पीछे 5 पेज की ग्लॉसरी है और बीच बीच में बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट या इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म को डिस्कस करते हैं, मैंने उसको पढ़ लिया। मुझे कैसे पता कि बस यही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं। अभी आप गूगल कर लो, तुरंत आप गूगल करिए, आपको उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। आप कर रहे हो? अच्छा, पर आप करके देखना, आप करके देखना। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं टॉपिक वाइज। हाँ, देखे वो मतलब ईयर वाइज देखे? नहीं, ईयर वाइज में तो मिक्स है ना। हाँ, फिर आप कैसे समझोगे टॉपिक, क्योंकि या तो आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप देख के बता दो अच्छा अच्छा ये वो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है, अभी उतनी एक्सपर्टीज आने में टाइम लगेगा। हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस का बैकग्राउंड भी समझ में नहीं आता है कि ये उन्हें मतलब ये पूछा कि टॉपिक कौन सा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, रूनाल सर ने ना उसको सिलेबस में जो बुलेट पॉइंट्स में दिया है ना, अगर किसी ने सिलेबस देखा हो बुलेट पॉइंट्स, उन बुलेट पॉइंट्स को उठा के उसके अंदर वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप उसको देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप बार बार देखोगे इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से कर लो। कहाँ से करोगे? करंट अफेयर्स से कर लो, या फिर कोई छोटा सा मटेरियल मिल जाए, मटेरियल कैसा इकोनॉमिक्स की किताब में कहीं दिया हो वहाँ से कर लो, या कुछ नहीं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट UPSC सर्च ही कर लो तो मिल जाएगा राइटअप। इस तरह से आप करेंगे ना, डेफिनेटली बिलीव मी, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और क्लैरिटी आ जाएगी। ईयर वाइज करोगे तो सब मिक्सअप है, वो और कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, टॉपिक वाइज करो। और मैम मुझे ये पूछना है कि हमारे पास बेसिक 7 सब्जेक्ट होते हैं UPSC में, तो उनका ऑथेंटिक सोर्स क्या होगा? जैसे कि लक्ष्मीकांत और ये स्पेक्ट्रम, ये सब तो गाइड है मैम, इनमें ना उनका इंटरप्रिटेशन है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि जो स्पेक्ट्रम है वो बिपिन चंद्रा सर की जो बुक है उसी को नोट्स फॉर्मेट में लिखा है। कुछ लोग जिनका थोड़ा बैकग्राउंड वैसा नहीं है कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट समझ पाएँ, मैथमेटिक्स जेन्युइन सोर्स ही है, ऑथेंटिक सोर्स है। NCERT हर सब्जेक्ट की नहीं, जैसे पॉलिटी की NCERT सफिशियंट नहीं है। BRAC का पढ़ तो लेंगे, पर BRAC का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो कम है। हमें ये देखना है कि हमें फ़ायदा कहाँ से पढ़ने से ज़्यादा है। BRAC पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा एक्चुअली, मैंने लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स में कि सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट केस। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम ऑन योर ह्यूज एंड मार्वेलस सक्सेस, यू हैव मेड प्राउड टू लाइक एवरी स्टूडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मैम आई एम प्रेमांशु सिंह, डिड BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑल्सो डिड इंटर्नशिप फ्रॉम NTPC, नाउ हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। माई क्वेश्चन टू यू मैम इज दैट हाउ टू प्रिपेयर एथिक्स पेपर, लाइक पेपर GS4, व्हाट विच नोट्स टू फॉलो, विच बुक्स टू फॉलो।
फॉर एथिक्स पेपर 4 देर आर टू पार्ट्स इन दैट पेपर. एक तो केस स्टडीज और एक होता है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं. फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर हैज़ कीवर्ड्स. अगेन मृणाल सर ने वो कीवर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है. इंटेग्रिटी इज अ वर्ड, उठाइए डालिए इंटेग्रिटी UPSC GS 4, कुछ राइटअप आएगा, किसी ना किसी वेबसाइट अच्छी वेबसाइट का आ जाएगा और जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं, इनसाइट्स या सिविल्स डीवी या सब जो भी ठीक लगे. उसके शॉर्ट नोट्स, इंटेग्रिटी, व्हाट इज इंटेग्रिटी, एग्जांपल्स ऑफ इंटेग्रिटी. एग्जांपल्स ऑफ इंटेग्रिटी में अक्सर डॉक्टर कलाम सर का एग्जांपल, लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जांपल, इस तरह के एग्जांपल्स. उसकी आज क्या इंपॉर्टेंस है कि क्यों कोई व्यक्ति इंटीग्रल बने, तो आप उसके एग्जांपल्स देखिए कि भाई नेशंस के बीच में ट्रस्ट नहीं है, वॉर की वो रेस हो रही है वेपन्स की, कि कौन कितने वेपन, ऐसे एग्जाम्पल्स इकट्ठे करिए हर टॉपिक में. फिर कोटेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, तो थिंकर्स जैसे कि गांधी जी की मेजर लर्निंग्स, गौतम बुद्ध की मेजर लर्निंग, विवेकानंद जी की लर्निंग, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, महावीर, डॉक्टर कलाम, इन लोगों को देख करके इनके पॉइंट देख लीजिए कि इनकी सोच क्या थी. इसमें गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, इसी बार क्वेश्चन आया था. और आज इनकी लर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते रहिए, कि उनकी लर्निंग देखी कि भाई जिसे सच बोलो. तो आज उसका एग्जांपल देख लीजिए कि हम देखते हैं कि साइबर क्राइम, फेक न्यूज़, सच बोलने का इंपॉर्टेंस दिख रहा है कि सोसाइटी ख़राब कर रही है, ऐसी चीज़ें केसेस. तो ये आप टॉपिक, हर टॉपिक के साथ ये करना है आपको, गवर्नेंस के साथ, पब्लिक सर्विस के साथ, कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या कमियाँ हैं. सेकेंड ARC की रिपोर्ट की समरी देख लीजिएगा, वो किसी टॉपर ने भी डाली हुई है ARC की समरी, वो देखना है. केस स्टडी के लिए डेली एक केस स्टडी लिखो जब भी एथिक्स पढ़ो. अब कौन सी लिखेंगे, प्रीवियस ईयर की आई हुई, उल्टी सीधी नहीं. केस स्टडी प्रैक्टिकल पर्सन की तरह लिखिए कि भाई प्रैक्टिकली क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है. उस तरह से केस स्टडी होकर डेली एक लिखिए, टाइम बाउंड तरीके से लिखिए. प्रैक्टिकल सोल्यूशन, आइडियलिस्टिक विजन, हमेशा लोगों के हित में सोचिए. इस तरीके से अगर आप केस स्टडी को अप्रोच करेंगे, और ऑनलाइन सोल्यूशंस भी हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है तो सोल्यूशन मिल जाएंगे. फिर कंपेयर करिए और फिर बेस्ट देखिए क्या निकल के आता है. एथिक्स. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. मैं भी मतलब मैनेज से ही हूँ मैम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में. मैम मेरे को आपसे ये पूछना है कि मैम अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के टाइम पे आपने ऐसे कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लिए मैम, जैसे कुछ सोसाइटी वगैरह में कुछ ऐसा कुछ अलग किया जिससे जो बाद में हेल्प किया आपकी पर्सनालिटी को, और मैम प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैम मतलब जो कुछ आदतें अच्छी आ गई मैम वैसा क्या कुछ कर सकते हैं कॉलेज लाइफ के दौरान. यस मैम. कॉलेज लाइफ में मैं पार्टिसिपेट करती थी इवेंट्स में, लिमिटेड करती थी, उस समय ध्यान इंजीनियरिंग पे था. जैसे बोलने की प्रैक्टिस, आप जब इंटरव्यू स्टेज में जाएंगे आप बोल सको, तो वहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं मैनेट में तो बहुत सारे, जाइए बोलने की प्रैक्टिस, जनरल अवेयरनेस, इंटरेस्ट डेवलप कर लो कि भाई सोसाइटी में क्या हो रहा है, थोड़ा सा न्यूज़ डिस्कस कर ली. कमी होता है कॉलेज में, थोड़ा सा मेरी अवेयरनेस थी कॉलेज में भी, बहुत ज़्यादा नहीं. और कॉलेज की बाकी जो लर्निंग्स मिली रही वो मेन ये था कि मेरे को जॉब मिल गई और मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो गई, तो सोच पाई कि मैं ये भी कर सकती हूँ. बस कॉलेज में यही करो, पर्सनालिटी में बात करने का तरीका सीख लीजिए और थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेट कर लीजिए. वहाँ पढ़ाई नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्कशन. कभी BBC का कोई वीडियो देखा और डिस्कस कर लिया क्या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो चीज़ आप कॉलेज में कर सकते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस. आई हैव अ टू क्वेश्चन, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग सोशियोलॉजी. In answer writing, in every answer, did you mention the thinkers and the reference of the contemporary current affairs, like with the thinkers example? Like you have mentioned the thinkers as well as in example related it with the current affairs. Thinkers should be mentioned ideally in all the questions. Because जब आप सोशियोलॉजी में लिखते हैं, it is not what you think or what you know GS thinks, what sociologists think. हर क्वेश्चन में मेंशन, हाँ कहीं कहीं पे नहीं हो पाता है, वो करंट अफेयर्स से लिंक क्वेश्चन आ गया. अब उस टाइम के थिंकर्स ने तो नहीं दिया है इस टाइम के बारे में, लेकिन कुछ तो कनेक्ट हो ही जाएगा ना. जैसे सपोज कोई गरीबों की बात हुई तो मार्क्स को ले आए, कहीं पे कुछ फंक्शनलिज्म की बात हुई तो उनको ले आए. एग्जाम्पल्स की बात करूँ, दो तीन एग्जाम्पल्स दे दो हर क्वेश्चन में. हर थिंकर के साथ एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है. रिगार्डिंग एसे, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी एंड
The last one is when you did the revision, so you did directly from the standard books or you mixed short notes and did the continuous revision of that short notes only? देखो मैंने short notes जहाँ पे ऐसा है कि book highlighted है और book को ही revise करना है तो मैंने नहीं बनाया. Prelims की बात करूँ तो मैंने कोई short notes नहीं बनाया. Only notes in prelims were my map. मैप, क्योंकि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सी नदी नाला वो वहाँ से जाती है. ऐसे ऐसे मुझे लगता है हम सबके लिए कॉमन है. ऐसे की प्रिपरेशन मैंने कुछ खास अलग नहीं की. मैं सिर्फ अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, डेटा कलेक्ट करती थी और राइटिंग स्किल डेवलपमेंट थोड़ी ऐसी थी कि मैं अनुदीप दुरी शेट्टी सर का नाम सुना होगा, 2017 AIR 1 उनका ब्लॉग है, उसमें उन्होंने पूरा ऐसे कैसे लिखना है, किस तरीके से डायमेंशन कवर करनी है, सैम्पल ऐसे कोटेशन के नोट्स और उनके खुद के नोट्स दिया हुआ है. आप गूगल करना अनुदीप दुई शेट्टी ऐसे नोट्स मिल जाएगा, उसको 3-4 बार पढ़ लो. उसके बाद मैंने ऐसे लिखना शुरू किया. ऐसे में एग्जाम्पल्स दीजिए.